हाय एवरीवन, इट्स मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघ प्रिष्टि। तो आज मैं रिवील करने जा रही हूँ मेरा बैग के अंदर क्या क्या है। काफ़ी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था ये व्हाट इज़ इन योर बैग। तो बीच में तो मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, कुछ इश्यूज था। फिर से जब मैं वीडियो स्टार्ट की तो मैं सोची ये ट्रेंड चालू करूँ कि व्हाट इज़ इन माई बैग। तो दैट्स वाई मैं सोची ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं बैग इस मतलब अपने साथ क्या क्या कैरी करती हूँ और मेरे बैग के अंदर क्या क्या रहता है। तो एक्चुअली हम लोग ऑफिस करते हैं तो बहुत कुछ कैरी करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ इन माई बैग। तो पहले मैं बोल देती हूँ, ये बैग यूज़ कर रही हूँ, ये लेदर का है। तो का मतलब मैं ज़्यादा बड़ा बैग यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। आप लोग जो जो मेरा प्रोफाइल में हो आप लोग जानते हो मैं हमेशा मतलब एक मीडियम साइज़ का बैग यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो ये है मेरा बैग अभी जो मैं कैरी कर रही हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले है मेरा हेयर ब्रश, ये तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद है फेस वॉश, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पी सेफ। अगर आप ऑफिस में जाते हो या बाहर कहीं ट्रैवल करते हो आपका वॉशरूम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब सभी को ये पी सेफ कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है आपका सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, आपका फेस टोनर, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें मतलब ये यूज़ करने से ना काफ़ी एक फ्रेश सा लगता है। तो फेस वॉश करने के बाद आप ये फेस टोनर यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। और है एक बॉडी मिस्ट, ये आपका प्लम का है जो काफ़ी बहुत ही एक स्मूथ आपका फ्रेग्रेंस है। मतलब ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं काफ़ी मेरा दोस्त लोगों को ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है पर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। लिपस्टिक, मस्कारा, मेकअप का प्रोडक्ट मेरे पास तो रहेगा ही क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ मतलब मेकअप करके रहना, या मेकअप नहीं थोड़ा रेडी वगैरह होके रहना, तो ये सब मेरे पास रहता ही है। कॉम्पैक्ट, काजल एंड माय ईयरपॉड्स, मोबाइल भी रहता है, मोबाइल से तभी वीडियो कर रही हूँ इसलिए मोबाइल दिखा नहीं पा रही हूँ। और एक है आपका ये जो है ना, ये एक्चुअली है थोड़ा मतलब बाम टाइप का। मुझे बहुत ना ठंड मतलब एसी वगैरह में रहती हूँ ना तो क्या होता है मेरा नाक वगैरह बंद हो जाता है, सर दर्द होता है। तो ये ना मेरा एक थाई फ्रेंड मुझे गिफ्ट किया है, इसमें कुछ हर्ब्स वगैरह रहता है, एक अच्छा बम टाइप का स्मेल आता है। अगर आपका हेड पेन हो या नाक बंद हो तो इससे बहुत अच्छे से आपका रिमूव, बहुत जल्दी आपका रिमूव हो जाएगा। दूसरा चीज है आपका पाम ऑयल, ठीक है, ये भी सेम काम के लिए है। ये भी मतलब एक मेरा मिजोरम से मेरा एक फ्रेंड मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरा इतना ये प्रॉब्लम है ना, हेडेक बोलिए, नक बंद हो जाना बोलिए, मतलब ठंडा या गर्म हर एक सीजन में मुझे ये प्रॉब्लम रहता है। दूसरा है आपका एक थाई बाम, ये भी मुझे मेरा एक थाई फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। मतलब ये भी सेम टाइप का है, ये एक्चुअली ना रोल ऑन टाइप का है। ये भी आपका अगर हेड पेन होता है तो आप लगाने से मतलब बहुत जल्दी आपका हेड पेन रिमूव हो जाएगा। इसके बाद है मेरा मतलब ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ खाने के बाद, मतलब मैं खाने के सिर्फ खाने का बात नहीं, मैं कुछ देर बाद मैं ये मतलब खा लेती हूँ और बहुत जल्द मेरा ये खत्म हो जाता है। मतलब ये खट्टा मीठा चीज मुझे मतलब खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और है मेरा घर का चाबी,
दूसरा है मेरा सनग्लास। इसका जो बॉक्स है काफी बड़ा है, मेरा बैक में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं ये आपका पाउच में रख लिया। तो ये है मेरा सनग्लास। इसके बाद है मेरा और एक परफ्यूम। ये काफी ज्यादा एक स्मूथ इसका फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है इसका। मैं ये आपको और इसके बाद है मेरा पर्स, मतलब ये इसका ना ये है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, इस टाइप का है। तो इसमें कुछ फोटोस है जो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, और इसमें है कुछ कैशेस, और इसमें ना एक मेडिसिन भी है। ये भी मेरा हेड पेन के लिए ही है, मतलब मेरा हेड पेन के लिए मैं सब कुछ रखती हूँ अपने साथ में, क्योंकि मुझे इतना मतलब डेंजरस हेड पेन होता है। और ये आपका एक चार्म्स, मतलब मैं एक शॉपिंग में गई थी, बहुत साल हो गया कोई सोपिस वगैरह खरीदने, तो उधर से मैं डिस्काउंट मांगी थी, तो मुझे तो डिस्काउंट नहीं दिया, तो मुझे ये चार्म्स दिया, बोले थे कि ये बहुत शुभ है हमेशा अपने पर्स में रखने के लिए। तो तब से मैं ये हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ, और सच में ये तो बहुत शुभ है मेरे लिए। इसमें भी कुछ आपका कैशेस वगैरह है, और मुझे काफी पसंद है, तो बस ये ना और कुछ नहीं है मेरे बैग के अंदर। तो होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में एक छोटा सा बेल आइकन है वो ऑन कर देना, तो मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। एंड अगर मुझे कुछ पूछना है आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, और मैं मेरा इंस्टा ID भी इसमें दे दूँगी, आप इंस्टा में मुझे DM भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay safe and healthy. Bye-bye.